आज हर वर्ग के लोग अपने जीवन में एक लीडर हैं। वे अलग अलग क्षेत्र में अपने कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ कार्य करते हैं। तो आइए आज हम एक कुशल लीडर्स की क्या क्वालिटीज़ होती है और उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। आज हम वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन जैसे लीडर से लीडरशिप सूत्र नहीं सीखेंगे, बल्कि आज हमारे रोल मॉडल होंगे भगवान गणेश। ये ग्राफ है कुछ लीडर्स का, जिनका आईक्यू लेवल जितना हाई है उतना ही उनका ईक्यू लेवल कम है। भगवान गणेश का सर हाथियों का सर है, इसलिए उन्हें गजमुख भी कहा जाता है। हाथियों में बहुत इमोशन होता है, अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य जीवों के लिए भी उनमें बहुत ज़्यादा करुणा दया का भाव होता है। साथ ही हाथियों में ग्रे मैटर भी अन्य जीवों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये एक ही समय में इमोशनल भी होते हैं और इंटेलिजेंट भी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक लीडर को भी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ सबके इमोशन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए एक लीडर में भी इंटेलिजेंस और इमोशंस का सही संतुलन होना चाहिए। अब हम दूसरा लीडरशिप सूत्र भगवान गणेश के कानों से लेंगे। टर्की का एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि बोलना चांदी है तो सुनना सोना। हमारे वैज्ञानिक भी बताते हैं कि हम सुनी हुई बातों का 25% हिस्सा ही ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अ गुड लीडर शुड बी अ गुड लिसनर टू। फॉर एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला कहते हैं, मंडेला हमेशा अपने कैंपेनियंस के साथ खाना खाते हैं और पेशेंस के साथ उनकी बातों को सुनते हैं। इसलिए एक लीडर को भी सभी की बात सुनकर डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए गणपति जी की बड़ी बड़ी कान हमें एक अच्छा लिसनर बनने की सीख देती है। अब प्रश्न उठता है, लोग आजकल अपने काम में ही इतना व्यस्त हैं कि उनके पास दूसरों की बातों को सुनने का समय ही नहीं है, सिर्फ अपने कामों पर ही फोकस रहते हैं। पर क्या आप सच में समझते हैं कि वो फोकस्ड हैं? ये बात गणेश जी की छोटी छोटी आंखें समझाती हैं। देखिए इन तस्वीरों को। पहली तस्वीर में जो चिड़िया नहीं दिखाई दे रही थी वो अगली तस्वीर में साफ दिख रही है। कैमरा को जूम करके उसकी तस्वीर ली गई है और कोई पिक्चर जितना भी जूम करके ली जाएगी उतना ही क्लियर उसका विजन होगा। इसलिए एक लीडर को भी फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। अपनी आँखों को छोटी करके यानी हर फैक्ट को जूम करके देखना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक बात बड़ा स्पष्ट कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया ऑफ योर लाइफ, ड्रीम ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, लीव दैट ऑन आइडिया, लेट द ब्रेन, बॉडी, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया, जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, दिस इज वेट ऑफ सक्सेस। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन गणपति जी के तरह एक लीडर को मोटा नहीं होना चाहिए। क्या आप भी यही सोचते हैं? तो आइए जानते हैं कि गणपति का पेट हमें कौन सा लीडरशिप सूत्र दे रहा है, इस डाउट को भी क्लियर करते हैं। आपको पता होगा कि गणेश जी को लंबोदर भी कहा करते हैं। लंब मतलब लंबा, परपेंडिकुलर, और उदर मतलब पेट या वैली। इसका मतलब जिसका लंबा पेट हो। एक लीडर की भी डाइजेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन में तुरंत प्रतिक्रिया ना दे, बल्कि समझकर डिसीजन ले। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक चम्मच नमक को
एक गिलास पानी में मिलाएं और उसे पिएं। क्या आप उसे पी पाएंगे? नहीं। लेकिन वही यदि आप एक चम्मच नमक को पूरे एक मग पानी में मिलाएं और उसे पिएं तो पीना आसान हो जाएगा। ठीक इसी तरह लीडर भी कड़वी बातों को तभी हजम कर सकता है जब उसका उदर यानी पेट बड़ा हो। सो गणपति का लंबा उदर एक लीडर को सीख देता है कि कड़वी बातों को और अनुभवों को पचाएं और उनसे नॉलेज को सोख कर आगे बढ़ें और मैच्योरिटी के साथ लाइफ से डील करें। कि एक अच्छा लीडर कमांडिंग ही नहीं बल्कि वो सबको गाइड करता है और वो समझदार भी होता है। लॉर्ड गणेश का ये सूत्र आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।